नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी सोडाला में हूँ, जयपुर में, और यहाँ सोडाला बस स्टैंड है ये, और ऊपर ये फ्लाई ओवर है। यहाँ से ये शुरू करेंगे और रिद्धि सिद्धि चौराया तक जाएंगे, गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि सिद्धि चौराया, जिसे वसुंधरा सरकार ने काफ़ी बड़ा बना दिया, काफ़ी अतिक्रमण वहाँ से हटाया था, तो बहुत ही शानदार वो रोड अभी हो गया है। तो वो पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ इस ब्रिज से देखिए तो ये इधर अजमेर को जा रहा है और इधर अंदर सिटी को जा रहा है, और यहाँ से हमें इस रोड पे चलना है मेट्रो के नीचे नीचे, रिद्धि सिद्धि चौराया, गोपालपुरा बाईपास, जो बीच में गुजर की थड़ी भी आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये सामने जयपुर मेट्रो, आइए और आगे चलते हैं। और अभी यहाँ से बैटरी वाली गाड़ी में आगे चलते हैं। आगे यहाँ से 200 मीटर पे श्याम नगर मेट्रो भी आता है, और आगे फिर विवेक विहार और दूसरे मेट्रो ये ऊपर हमारे चलता। आइए बैटरी वाली गाड़ी में बैठेंगे और इसमें आगे चलेंगे। और ये बैटरी वाली गाड़ी में भाई के साथ हमने ये यहाँ से सफ़र शुरू कर दिया है। आगे ये श्याम नगर मेट्रो आ रहा है, मेट्रो के नीचे नीचे ऊपर ये श्याम नगर मेट्रो, ये बैटरी की गाड़ी, नई गाड़ी है भाई की एकदम। और ये श्याम नगर मेट्रो, जयपुर में मेट्रो बड़ी चौपड़ से शुरू होती है और मानसरोवर तक जाती है, और उसी में ये एक श्याम नगर का भी मेट्रो है, श्याम नगर मेट्रो स्टेशन। और आगे अभी विवेक विहार आ जाएगा, उसके आगे कौन सा आएगा, गुजर की थड़ी आएगी, उसके आगे गुजर की थड़ी, और उसके आगे फिर आतिश मार्केट, और फिर मानसरोवर, वहाँ तक जाती है ये मानसरोवर तक, मानसरोवर से वापस फिर इसी रूट पे घूम जाती है। और ये भाई के साथ हम शेयरिंग में चल रहे हैं, यही पनीर पहुँचाना है गली के अंदर, पनीर पहुँचाना। आपने गाड़ी शुरू किया, मैंने वीडियो शुरू कर दिया। कितने घंटे चलाते हो? 90-100 किलोमीटर चलता है। 90-100 किलोमीटर एक बार बैटरी चार्ज करने से? जी हाँ, उसके बाद फिर चार्ज करना पड़ता है। 90-100 किलोमीटर कितने घंटा, 2-3 घंटे में या 6-5 घंटे? शाम हो जाती है, शाम तक चलाते हो, सुबह से शाम हो जाती है। तो दोबारा भी चलाते हो या फिर एक बार चलाते हो? सामने के बीच में जैसे सब चार्जिंग करेंगे ना, तो 9-10 बजे तक दे जाएगा। हाँ हाँ, 2-3 घंटे चार्ज करेंगे, 2-3 घंटे बीच में चार्ज करके फिर शाम तक रात तक चला लेते हो? 9-10 बजे तक चल जाता है। 9-10 बजे तक होता है। जैसे क्या है, चलाई के ऊपर है, अपन जितनी सवारी भरोगे ज़्यादा उतनी कम चलेगी। अच्छा, जितनी सवारियाँ होंगी उतना ही दौड़ ज़्यादा लेगी, तो बैटरी फिर ज़्यादा खपत होगी उसकी। बिल्कुल। और इधर अभी गली में जाएंगे एक बार, उनके पास पनीर आया है जो आगे मैरिज गार्डन में छोड़ेंगे। इस गली में आगे फिर वापस इसी रोड से वापस आएंगे, तो आपको इधर अंदर का भी व्यू दिखा देते हैं। ये जयपुर आपको चारों तरफ से दिखा दिया इस वीडियो में। कौन सा गार्डन है? मैरिज गार्डन में अभी जा रहे हैं, वहाँ से वापसी आएंगे।
बैटरी वाली गाड़ी थोड़ी आज ही घूमती है, पीछे से भी साधन आते हैं, साधन आते हैं थोड़ा सा, बच्चा आके लेना जरूरी होता है। और ये आ गया श्याम मैरिज गार्डन, श्याम मैरिज गार्डन में अभी पहुंच गए। चलना है यहाँ इधर से भी है रास्ता, इसलिए कह रहा था नहीं वहीं से चलो अपना हाईवे से, हाईवे से चले वही ठीक रहेगा, और सवारी मिलेगी, शॉर्टकट मार के क्या फायदा है। तो ये हम वापस आ गए हैं अभी श्याम गार्डन में, सामान उतार के उनका वापस ये हाईवे, और वही रोड हमें वापस सामने मिल जाएगा ना। इधर चलना, इधर चलना, इधर चलना, इधर चलो, कोई बात मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं, हाँ इधर से चलो ना, इधर से तो अपना आए थे इस रोड पे, अभी इधर से चलेंगे गुजर की थड़ी और फिर आगे गुजर की थड़ी से रिद्धि सिद्धि आएगी, थोड़ा सा ये सीधा चले, हाँ नहीं कोई बात, फिर पता है मेरे को रिद्धि सिद्धि जाना है। ये वीडियो हमने रिद्धि सिद्धि के लिए शुरू किया है, तो रिद्धि सिद्धि तक हम जाएंगे इसमें। ये जयपुर के अंदर के रास्ते आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। जयपुर बहुत बड़ा हो गया, अभी कम से कम 50 किलोमीटर से ज़्यादा ये फैल गया है। 50 किलोमीटर के सर्किल में या उससे भी कहीं ज़्यादा, 60-70 किलोमीटर के सर्किल में जयपुर है। इसके टायर थोड़े छोटे होते हैं तो झटके ज़्यादा लगते हैं, भाई खट्टा वड्डा आ गया था, खट्टा वड्डा आ गया तो झटका ज़्यादा लगता है, सबको ज़्यादा लगती है सर, पीछे ज़्यादा लगते हैं ना, ये भारी नहीं है ना सर, हल्की है, जो वजन है इसमें सिर्फ बैटरी के अंदर ही वजन, आपका अपना है क्या ये, किराए का चला रहे हो? किराए का चलाते हो? कितना किराया देते हो? अच्छा, रोज का 400 रुपये है। ये देखिए नया है, एक तरह से नया है, और इसका 400 रुपये, माइक वाइक लगा हुआ, टेप लगा हुआ, सब कुछ है इसमें, देखिए 400 रुपये पर डे का देते हैं ना, रोज का देते हैं, फिर उसके बाद दिहाड़ी आपकी बढ़ जाती है। कितना घंटा चलाते हैं टोटल? 12-13 घंटे तो चला लोगे। कहाँ से हो आप? सवाई माधोपुर से, राजस्थान से ही हो। और ये सामने अभी हमारा हाईवे आ गया, गोपालपुरा बाईपास रोड आ गया, और इसी में अभी हम लेफ्ट में घूमेंगे। तो ये इधर तो हमारा ये था, ये तो गुजर की थड़ी है, सामने मेट्रो जो दिख रहा है, और इधर चलेंगे तो आगे रिद्धि सिद्धि आ जाएगा। तो आपने तो बोला था गुजर की थड़ी का 10 रुपया लेंगे, और रिद्धि सिद्धि का फिर 20 रुपया लेंगे आप, ऐसा ही है सर? 10 रुपये वहाँ से गुजर थड़ी के होते हैं, हाँ हाँ वही 10-10-20 हो जाएंगे ना आपके, हाँ 20 जी। तो ये हमें वहाँ सोडाला से पीछे से लेके आए हैं, सोडाला से लेके आए हैं समझो, श्याम नगर मेट्रो से थोड़ा पहले, और गुजर की थड़ी पीछे रह गई, वहाँ तक यदि आते तो 10 रुपया लेते हैं, और आगे रिद्धि सिद्धि हमें जाना है, तो रिद्धि सिद्धि का ये 20 रुपया लेंगे।
ये बैटरी वाली गाड़ियाँ आपको हर जगह मिल जाती है यहाँ पे, और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है क्योंकि ये शेयरिंग में आपको मिलती है। आपको बुक करके जाना है तो ठीक है, वो एक अलग बात है, नहीं तो आप शेयरिंग में जा सकते हैं। शेयरिंग में जाएंगे तो आपको कम पैसे में ये लोग छोड़ देते हैं, सही बात है। अभी इसमें और सवारी होती ना तो मैं आपको 15 रुपये में भी छूट देता, सवारी नहीं है ना। अच्छा, और सवारी होती तो 15 में भी छोड़ देते थे। हाँ, रिद्धि सिद्धि तक अभी ये 20 लेंगे क्योंकि और कोई सवारी नहीं है, खाली है। वैसे तो हमने 50 रुपया कमा लिया। वो तो सर हाँ वो मिल गई, कोई बात नहीं, मैं तो आपको 20 ही दूंगा, आपको आपका कम नहीं होगा, आपको तो 20 रुपये दूंगा। आप सवारियाँ बिठाओगे तो भी दूंगा, नहीं होगा तो भी 20 ही दूंगा। आप कौन सा ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, नहीं 20 तो वाजिब ही है, कोई कोई 15 में छोड़ देता है, कोई 20 में देता है। तो ये हाईवे जो चौड़ा किया गया है, आप देखेंगे अभी 5 ट्रैक है जिस पर हम चल रहे हैं, ये 5वां ट्रैक है, चौथा है किधर और है, 5वां ट्रैक, 5 ट्रैक का ये हाईवे इधर और उधर भी ऐसा ही है, बड़ा हाईवे बनाया वसुंधरा ने, ये पूरा यहाँ तक जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ तक कब्जे थे पहले लोगों के, और उनको हटा के उनको सबको मुआवजा दे के तोड़ के पुलिस प्रशासन के द्वारा, और ये पूरा खाली कराया गया और पीछे उनको लेके जाया गया। और ये रिद्धि सिद्धि चौराया, तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। ये रिद्धि सिद्धि कैटर्स और ये रिद्धि सिद्धि चौराया तक हमने ये सफ़र किया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।